आज का अगर आपने एपिसोड मिस कर दिया तो भाई आपने बिग बॉस का मज़ा मिस कर दिया। जी हाँ, आज का जो एपिसोड है खेसारी लाल यादव के लिए ही है। जो खेसारी लाल यादव के फैंस हैं उनके लिए है, और जो खेसारी लाल यादव को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि आज का एपिसोड देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि खेसारी लाल यादव की कॉमेडी से पूरा घर हंस रहा है। आप इस वक्त जो हमारे स्क्रीन पे फोटोज़ देख रहे हैं ये इसी एपिसोड से रिलेटेड है। भाई खेसारी लाल यादव का मेकओवर हुआ और वहाँ पहुँच गई हिमांशी। हिमांशी खेसारी लाल यादव से कहने लगी कि भाई तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बात है। इस पे खेसारी लाल यादव उन्हें थैंक यू बोलने के बजाय खेसारी को लगा कि हिमांशी उनसे फ्लर्टिंग कर रही हैं। तभी खेसारी लाल यादव ने कहा, भाई मैं तो शादीशुदा हूँ। वैसे हिमांशी के साथ भी कोई फ्लर्टिंग करता है तो तुरंत हिमांशी ये कहती है, भाई मैं तो एंगेज्ड हूँ, मेरे फियांसी को ये बात बुरी लग सकती है। तो ठीक उसी का जवाब देते हुए खेसारी लाल यादव ने ये कहा कि मैं भी शादीशुदा हूँ। अब भाई हिमांशी और खेसारी आपस में बात कर रहे होते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला आ जाते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला आकर हिमांशी का साथ देते हैं और खेसारी की खूब टांग खिंचाई करते हैं, और ये मज़ेदार वीडियो में आपको भाव भी दिखेंगे, यानी हिंदुस्तानी भाव भी आपको साथ में दिखेंगे, और ये दिखेगा कि ये सारे लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ खेसारी का लुक जो उनकी भोजपुरी फिल्मों से बिल्कुल अलग है, अभी तक किसी भी भोजपुरी फिल्मों में वो इतने दमदार लुक में नहीं आए थे, उनका मेकओवर घर में सभी को अट्रैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ घर वालों ने खेसारी की पावर समझ ली है। वो कैसे? तो भाई अरहान खान के लिए तो किसी ने नहीं सोचा था कि अरहान खान घर से बाहर जाएंगे। सभी को लगा था या फिर माहिरा निकलेंगी, नहीं तो खेसारी का निकलना तो डेफिनेटली तय है। अब लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि खेसारी लाल यादव की पावर और खेसारी लाल यादव के फैंस पावर क्या है। भाई यूपी बिहार से उन्हें इतने भर भर के वोट मिले हैं कि खेसारी लाल यादव बिग बॉस के वोटिंग रेट में टॉप 5 में थे। इस बात की भनक अब बिग बॉस के घर में सभी को लग गई है। इसलिए भाई ऐसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को नाराज़ कौन करना चाहेगा। वैसे भी खेसारी इन दिनों जो गायब वाला तमगा लेकर घूम रहे थे, अब इस एपिसोड के बाद वो शायद हट जाएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।